ধরে মারে রাউড়া তাজা তাজা ঘোষণা তাজা তাজা মগা দাউড়া কেন মারা। आ जाओ मेरा पहलवान आ गया मेरा पहलवान। क्या हो गया यार, आप लोगों ने रिजल्ट चेक किया? कल कह रहे थे ना कि आज रिजल्ट है, रिजल्ट देखने जा रहे हैं। बताओ मुझे, बताओ शाबाश मेरे बच्चे, बताओ। अबू जान। हाँ जी। एक बात बताओ। बताओ मेरे बेटे, बताओ बताओ जल्दी बताओ, मैं बड़ा बेकरार हूँ रिजल्ट सुनने के लिए, बताओ। ये पलवान भाई है ना, जी जी, इसका मैट्रिक में सारे किताबें फेल हो गए। आप बताओ फिर आपका क्या हो गया? दो पास। अफसोस की बात है, तुम लोगों को शर्म नहीं आया, तुम लोगों को बड़ा सी शर्म नहीं आया, ये इतना खर्चा करके तुमको चढ़ाता है, तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम लोगों ने भाई नहीं पढ़ा है ना, देखो खालिद को शर्म नहीं आया। 9th क्लास में 2 साल तुम फेल हो गए, ये देखो मेरा बाल देखो, ये 3 साल लगातार फेल होता है, ये क्या तरीका है यार तुम लोगों का? बताओ मुझे यार, बताओ बताओ मुझे, बताओ क्या तरीका है? मैं आप लोगों की सही पिटाई करूंगा, उसके बाद तुम पढ़ते हो कि नहीं? लाला क्या चक्कर है? देखो यार बड़ा, ये दोनों मेरे बद्दुआ दोनों बेटे हैं यार, एक 9th क्लास में 2 साल से फेल, एक मैट्रिक क्लास में ये पहलवान 2 साल लगातार फेल हो रहे हैं। चाचा चाचा गरम मत हो जाओ, बैठो इधर, बैठो बैठो बैठो, आपको कुछ ठंडा होगा। क्या हो गया? बैठो नीचे, बैठो नीचे बैठो, शाबाश शाबाश। छोड़ो ना यार, आपका किधर से आ गया दोनों? छोड़ो यार मेरे बच्चे हैं, पिटाई करूंगा सही यार, हम तो इनके टीचर हैं यार। टीचर तू किधर से आए यार, आपको जिंदगी में कभी देखा नहीं दोनों को, अभी आके टीचर बताते यार। तो हमने आपको कभी नहीं देखा, तो स्कूल में जो ना अपने बच्चों को खबर लेने के लिए आप भी तो हमारे पास आना था ना। कितनी दफा हमने बुलवाया, बुलवाया आपको, माँ बाप को बुलाया, तो आप आए ही नहीं। चुप करो तुम, सुनो इधर। तो किस तरह हमें पहचानोगे आप? एक दफा तो स्कूल में आना था आपको, एक दफे भी नहीं आए आप, कम से कम एक दफा तो जरूर आना चाहिए, बच्चों को खबर लेना चाहिए। हाँ ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन यार 3 साल से देखो ना ये क्या तरीका है, कभी इम्तहानी फीस कहते हैं, कभी रजिस्ट्रेशन फीस, इतना खर्चा, मैं गरीब आदमी हूँ यार। यार बात सुनो, आपके ये बच्चे बड़े लोफर है, ये मंशियात हर चीज के पीछे लगे हुए हैं, ये किस तरह पढ़ाई कर सकते हैं? देखो ना लाला, देखो पिछले साल 80-70 में इनका ए नंबर पे था, ये 9th और मैट्रिक में क्या हो गया, ये लोफर हो गए, बाजारों में देखो ये लोग उधर होंगे। अच्छा सिगरेट का नशा इनका है, अच्छा ताश ये खेलते हैं, लड्डू ये खेलते हैं, बिल्कुल अच्छा, कहीं झगड़े में ये लोग जरूर वहां पर होते हैं, तो फिर ये किस तरह होगा? देखो 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 लाला, आपने अपने बच्चों का सुबह ये बच्चे निकलते हैं, शाम को ये तकरीबन शाम नहीं रात तकरीबन 8-9 बजे ये घर आते हैं, घर आते हैं। आप पूछते क्यों नहीं अपने बच्चों से? यार हमें तो कहते हैं यार उधर ट्यूशन पढ़ने जाना है, ऑनलाइन क्लासेस होती है, हमें क्या पता यार, मैं अनपढ़ आदमी हूँ यार। जरूर उधर जाना था, आप कहाँ पर ये ट्यूशन पढ़ते हैं, उधर जाकर पता करना था आपको। यार इन दोनों को ना मैं आज ही सबक बस करवा के ना इनको मैं नाला भेजूंगा, उधर जाके माल मवेशी बनाएंगे मेरे लिए। क्या है यार छोड़ो, मैं इनको ना, मेरा वो कुल्हाड़ी किधर गई यार? नहीं, मैं नहीं, 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 इनको सही क्लास दूंगा, मैं सही क्लास दूंगा। गर्म होने की जरूरत नहीं, गर्म होने की जरूरत नहीं, बैठो है ना चाचा, इतना गर्म नहीं होना, गर्म नहीं होना, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो यार आप लोग, गवर्नमेंट इतना बड़ा आपको तनख्वाह दे रहा है, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना यार, कम से कम देखो हमारी। या आप किसी नौजवान, देखो आजकल इतने पढ़े लिखे लोग आए हैं, आप उनको मौका दे दो तो सही, कोई निजाम चलेगा यार, मैं तो तंग आया बस यार, छोड़ो यार मरा लाला, ये बात नहीं होता, ठीक है, हमने हमने पढ़ा है, हमने हमने जो ना अपनी जिम्मेदारी की, हाँ ना आपने पढ़ाया है, आज देखो मेरे दोनों बेटे, हमने अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक पढ़ाया है लाला, हम जो ना अपनी सच्चा नौकरी पूरी करनी है यहाँ पर, ठीक है? आप ये आपने कहा मगा उल्टा पुल्टा बातें करते हो लाला, हम सच सच सच
हम लोग।